श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच अमृत वेले दे दीवान विच उपस्थित होके आप जी सतगुरु जी दीआं खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अज दा पावन पवित्र गड़ीवार शब्द जो कि सूही राग विच सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन अंग 731 और 32 उपर शोभायमान है। अज दे इस शब्द के उच्चारण करता धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी हैं। इस पावन पवित्र शब्द विच सतगुरां ने परमात्मा के नाम के रंग प्यार की व्याख्या करते हुए वचन किए कि जो मनुख पूरे सतगुरु की सरणी पैदा है सतगुरु का हुक्म अपनी जिंदगी हंडा है कमा है तो एक दिन वो गुरु त्रुट है गुरु त्रुट पे बख्शिश करते हैं। उस त्रुटन दे विच उस बख्शिश दे विच मिलना की प्राप्ति की होंगी छोटिया छोटिया वस्तुआं ते संसार का धन संसार की वड़ियाई कितने आ गई कितने छोटिया गल्लां ने गुरु की त्रुटन विच उहदी कृपा विच उहदे तरस विच पर गुरु की त्रुटन विच एक सब तो वड्डी दात जिहड़ी मिलदी उह कहिंदे गुरु तुठ है हर रंग चाड़िया उह सिख ते सब तो पहला यह काम करता है कि इहदे विचों माया का रंग कढ के परमात्मा के नाम का रंग विच पा दिया चाड़िया क्योंकि यह दो प्रकार का उदाहरण गुरबाणी विच आउंदी है। एक पासे कहिंदे ने कुसंभे का फुल है जिहदा रंग बहुत सूखा है इसे राग में गुरु अमरदास पातशाह जी के वचन आउणगे कि सूही सूहा रंग बिल्कुल लाल इस राग का नाम भी सूही है। इहदे विच बार बार रंग की गल आएगी हर एक शब्द विच और जिवें कि दो शब्द ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के उहदे विच भी वचन आए ने और मजीठ के रंग की चर्चा इस राग में चलती है। दो प्रकार का रंग है संसार में एक परमात्मा के प्रेम का रंग एक संसार के प्रेम का रंग है। संसार के प्रेम के रंग में सतगुरां ने एक कुसुंभे के फुल नाल तुलना दी है जिहड़ा वेखण विच मजीठ तो गूढ़ा लगता है मजीठ का रंग उसके अगे फिका लगता है सोना नहीं है पर उस रंग विच जो कसुंभे का रंग है फुल का रंग है वह किसी कपड़े में चढ़ा दो थोड़े चिर बाद धुप विच रखोगे दो चार दिन बाद वो रंग उड़ जाएगा खत्म हो जाए। अज सतगुरु परमात्मा के प्यार के रंग की गल कर रहे हैं कह लगे ये मजीठ का रंग है एक बारी इस कपड़े में चढ़ जाए वो कपड़ा सारी जिंदगी हंडा के भावें पाट के आना जाए पर वो रंग कभी उहदे तो लहिंदा नहीं। सतगुरु ने वचन किए गुर तुठ है हर रंग चाढ़िया परमात्मा का प्रेम परमात्मा का स्नेह उहदा मोह उहदा प्यार अंदर इन्ना गूढ़ा हो गया कि अंदर रंग महसूस होण लग पिया। सतगुरु ने संबंध विच बाणी विच कई वचन कीते ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी तां सूरमई उस नूं कहिंदे कहिंदे जाको हर रंग लाको इस युग में सो कहियत है सूरा हर रंग परमात्मा दा प्रेम पर इह किवें प्राप्त हुंदा है अगे असीं शब्द विच दस्या कहिण लगे जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिन्हें
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਜਿਨਾ ਸਕਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਰੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਜਿਨਾ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਤਮ ਵਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਲੇਖ ਪੜਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨੇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਅਜੇ ਵੇਖੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਿੰਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਣਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੂੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਵੱਜਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦੁਵੈਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਵਧੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਜਾਏ, ਪੈਂਦੀ ਜਾਏ ਰੋਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੱਖ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਟੰਗ ਦੇ, 1 ਸਾਲ ਟੰਗਿਆ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਸਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਏ, ਧੂੰਆਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਥੱਲੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜੰਮ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ,
इस तरह असीं अपने अंदर वेहले हां, इह लगता है तुहाडे कोई परमात्मा नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई दया नहीं, क्योंकि उहदे उत्ते वार वार क्रोध अहंकार लोभ दीआं लहरां मेल देर शब्द अपशब्द किन्ना कुछ साडे उत्ते सदियां तों जमदा रहा। आत्मा का कपड़ा जो दबिया गया थले प्रेम का, और मैं उदाहरण दे रहा सवेरे पाठ जपजी साहब पढ़ोगे बड़े स्वादले वचन ने कि जे कोई मनुख परमात्मा के अगे ओदी बड़ियाई ते विचार अमृत वेले भेट करता है ते ओदा कपड़ा उभर के सामने आ जाता है। कपड़ा शब्द वरत्या पौड़ी है जपजी साहब जी के फिर मोह के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार फिर के अगे रखी है जित दिसा दरबार मोह के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा। आत्मा का कपड़ा ओदा धुप जाता है जो अंदर पिया ही होया, बाकी दी मैल उहदी रह जांदी है अमृत वेले दे इशनान दे विच जदों उह नाम द्वारा अपने अंदर दे इस कपड़े नूं चंगी तरह धोंदा है ना, तां उहदा कपड़ा नगन हो जांदा, उहदी आत्मा नगन हो जांदी। उहदे उत्ते जो असीं डुप्लीकेट सारा कुछ चाढ़िया होया तां कि मन टिकदा नहीं, क्योंकि सारा डुप्लीकेट मन है, असीं बाहरों खिंचिया समाज विच जे उह जन्म लिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते दस अवस्थावां विच बंदा बाहरों मन खिंचदा, मन इहदा अपना जुड़ी पहले प्यार लगा खण दुध, दूजे माए बाप की शुद्ध, तीजे भैया बाप भाभी बेब, चौथे प्यार मुबन्नी खेड, पंजवें खान पीण की धात, छेवें काम ना पुछै जात, सतवें संध किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तनदास, नौवें तौले उपे सा, दसवें दद्दा हुआ स्वा, गए से गीत पुकारी ता, उटिया हंस दसाए रा, नानक मनमुख अंत प्यार, बाज गुरु डुबा संसार। हुण सारी उम्र समाज ने समाज की झूठी सिक्ख्या ने साडे अंदर झूठी ते भरिया है, ज्यों ही सानू होश आउंदी है ते बड़े घट माता पिता ने जिहड़े अपने बच्चे दे इस भांडे विच मन दे विच सच्चाई भरनी शुरू कर दिंदे, उहनू कहिंदे वी तूं झूठ नहीं बोलना, तू ईमानदारी विच रहना है, तू अपने जीवन दे विच किसे नूं धोखा नहीं देना, तू गुरबाणी नाल जुड़ना है, तू वड्डियां दा सत्कार करना है। ये बड़े घट ने, नहीं तो ज्यों ही बच्चा होश में आता है ना त्यों ही असं उन्होंने सिखा शुरू करते हैं भी चलाकी किमें करेगी, जी जो बार साढ़े घर में दोस्त मित्र आता है तो उन्होंने कहने भी बच्चा बड़ा चलाक देखो सारिया गलों का पता लग गया। असी बच्चों व्डे होने तो पहला ही व्डे कर दिता है, अजे उन्होंने उम्र आनी ने चीजा का पता लगना चलाकिया का पता लगना कोई जीवन नहीं है, जीवन है जिवें जिवें उम्र बदे तिवें तिवें नॉलेज तिवें तिवें जानकारी बदे। हुण तो उम्र तो पहले हर कोई जवान है, अजे जवानी की उम्र आती नहीं, बचपन में ही जवानी आ गई, जवानी में बुढ़ापा आ गया। ये चीजा जिहड़ियां ने असीं भरियां मन विच अंदर टोकियां उन्हां दा साडा सरूप बन गया, असली सरूप जिहड़ा साडे अंदर दा सी दबिया गया थले, वह झूठा के थले विकारा के पापा के हेरा फेरी के थले, जिन्हें गुरु ने कृपा की उन्होंने फिर सहजे सहजे जो नाम न जुड़ते हैं बाणी का पानी उन्होंने अंतिशकरण खह खह के लंघता है वार वार सहजे सहजे, क्योंकि यह मैल साध संगत ख्याल नहीं है। कोई बाहरली मिट्टी हो गए तो असं कि बहुत पानी साबन लैके धो ली, ये ख्याल की मिट्टी है, विचार की मिट्टी, अंदर संकल्प के विकल्प कई कुछ पिया होता सुभाव बनया, तो सुभाव तोड़ना सब तो औखा है, सुभाव तोड़ना सब तो औखा है,
ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਕ ਉੱਠੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਲੀਕਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਿਰ ਫਸਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੋ ਵੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਧੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਨਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਧੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਲਹਿਗਾ ਮੈਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਲ ਲਿਖਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਜਿੰਦ ਸੈਂਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਜਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਲਹਿ ਹੈ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਤੇ ਫਰੇਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੱਪੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਧੋਵੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸੋ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਈਏ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੇ ਧੋਣ ਦੀ ਦੇਣੀ ਬਹਿਣ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਬਹਿਣ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸੰਸਿਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੁਬਧਾ ਦੀ ਕਿ ਕਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਹੈ ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ ਉਸ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਪ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਕੰਢੇ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ
इस तरह कुछ समय चलने तो बाद सारा मैला पानी उस भांडे तो बाहर चला जाएगा तो वह बाल्टी पवित्र पानी न करी जाएगी। यह नहीं कि पहला उसको कटो तो फिर पैगे। इस तरह जो साढ़े अंदर पहला साडा मन है पहले विचार ने वह मैले ने संसार के ने यह नहीं कि उन्होंने पहला असं छड़ा तो होर विचार फिर पैणगे विचार पाँगे बिच पावे तो फिर वो विचार दूसरे बाहर निकल जाएंगे अंदर शुद्ध हो जाएगा साफ हो जाएगा फिर उस साफ पानी के मनुख को अपना सही स्वरूप दिसेगा मैं कौन हाँ जिम्मे पानी के अपना मूह देख लेगा शीशे के इस तरह नजर आ जाएगा मैं कौन हाँ प्रयोजन की पता लग जाएगा जिंदगी के जो चार पदार्थ मिलते हैं साध संगत की सेवा में गुरमुखों की सेवा उन्होंने एक पदार्थ है अर्थ तुम पढ़ते हो चार पदार्थ जे को मंग है सात जन की सेवा लग है और चार पदार्थों के एक पदार्थ जिम्मे धर्म अर्थ काम से मोक्ष के चार ने इन्हों एक पदार्थ अर्थ अर्थ का मतलब है जिंदगी का अर्थ पता लग जाना अंसुर पता लग जाना कि मैं क्यों हाँ मैं कहदे वास्ते आया नहीं जब आप एक तरह के भटके जो फिरने भी की है ये सारी जिंदगी काम करते हैं खाते पीते हैं गलत बातें करते हैं ये क्यों चल रही है प्रयोजन नहीं पता लग रहा समझ नहीं आ रहा अर्थ उदो पता लगेगा जब अंदर शुद्ध होया ते अंदर विचों अपना आप तस्वीर वेख ली भी मैं क्यों हाँ मेनू परमात्मा ने क्यों बनाया मैं कहदे वास्ते हाँ और जिस काम वास्ते असीं बनाए गए हाँ जिन्ना चिर उह काम असीं नहीं करते उन्ना चिर असीं बेचैन रहां हुण देखो पशु कदी बेचैन नहीं क्योंकि वह जिस वास्ते बनाए गए सन वह काम कर ही रहे शांत ने पशु सारे पंछी सारे शांत ने तुसीं झाती पा के वेखो आदमी के ना कोई भी इस धरती की जोड़ कोई भी बेचैन नहीं है उसका कारण सिर्फ इको है कि गऊ जिदे वास्ते बनाई परमात्मा ने उसका प्रयोजन पूरा हो गया उन्हें दुध देना सी घा खाना पशु मिलन चंगियाइया खड़ खाम है अमृत दे सब जिस चीज वास्ते बनाया सी वो काम करता है शेर को जिस वास्ते बनाया सी वो काम कर रहा है उसकी खुराक मांस है मांस खा रहा घा नहीं खाता जिन्हों वास्ते घा बनाया सी घा खाते ये सारे आपो अपने प्रयोजन में पूरे हो गए हैं इस करके संतुष्ट ने उन्होंने बहुते रोग भी नहीं साढ़े जिन्हें झगड़े भी नहीं जिन्हें मनुख को इस तरह जिमें जानवर इन्हों कमां लई बनाए सन मनुख बनाया सी प्रेम करने वास्ते परमात्मा ने असल में किसी ने बड़ी सुंदर कहानी लिखी है कहते परमात्मा ने सारिया जूना बना ली उन्होंने फिक्र होया जूना सारिया भोगी जूना ने भोग ये खादिया पीदिया ने बस ते मैं अपने वास्ते अपना ते प्रबंध करा कि कोई इस तरह की जून बनाव जिड़ी मेरे वास्ते भोजन तैयार करे जिहड़ी मेरे वास्ते कुछ खाण पीण का प्रबंध करे क्योंकि वह घर भी कादा जिहदे विच रसोई नहीं है जिहदे अंदर खाण पीण नूं कुछ नहीं है तां कहिंदे परमात्मा ने यह आस करके मनुख बनाया मनुख दे अर्थ परमात्मा दा रसोईआ क्योंकि जिहड़ी खुराक जिहड़ा भोजन परमात्मा नूं चाहिदा है सिर्फ मनुख ही दा त्याग कर सकदा है परमात्मा नूं सिर्फ प्रेम दा भोजन चाहिदा है सिर्फ ओह प्रेम मंगदा है गोबिंद भाव भगत दा भुखा उन्हूं भुख लगती प्रेम दी साडी पैदाइश मनुख दी उन्हें कीती कि इह संसार विच रहिंदिआं होइआं जिथे संसारक तौर ते विचरे उत्थे इह विकारां तों बच के अंदर प्रेम विच रहे प्रेम परमात्मा की खुराक है पर यह रसोईया बड़ा निकम्मा निकल इन्हें तो कभी रसोई में प्रेम पकाए नहीं बनाए नहीं हंकार तो बड़ा है देखो इस मनुख की रसोई के हंकार के अवार लगे हुए उत्थे हंकार ही हंकार है प्रेम तो उत्थे है ही नहीं
इस करके किसी ने फिर इस कहानी में अगे लिखा कहते बहुत समय तो परमात्मा भुखा है, इन्ना भुखा नींद भी नहीं आती। जो कोई अरदास कोई भगत कबीर साहब कोई बाबा फरीद साहब कोई बाबा बुढ़ा साहब पैदा होते कहते परमात्मा इन्नी खुशी होती है जिवें किसी मां के घर पुत्र पैदा होता है। इन्नी खुशी पैदा होंगी गुरु रामदास सच्चे पातशाह जिन्हों का अज प्रकाश गुरपुरब है, वो कहते ने कि जिवें मां पुत्र नूं पालदी है जन्म तो पहला भी ये पुत्र मेरे घर जन्म लाएगा, जन्म लैके वड्डा होगा कुछ कमा के लियाएगा तो मेरी सेवा करेगा। इस तरह कहिंदे गुरु अपने सिख की पालना करता है भी जितन ये पूरी तरह सिखी विच कामयाब हो जाएगा उहदे तो बाद ये मेरा काम करेगा। सिख दे अर्थ की ने गुरु नानक दा काम काम करना है। सिख दा संत दा गुरमुख दे की अर्थ बनते हैं, जो गुरु नानक करना चाहते सन उस काम विच हाथ वटाउंदा है। जिवें एक आदमी पहला कला हुंदा है ते फिर उहदे छोटे छोटे बच्चे हुंदे, सारा दिन बेचारा दिहाड़ी करके जॉब करके बच्चों नूं पालदा कादे वास्ते पालदा है, भी 5-7-10 साल की गल है 15 साल की, 15 साल में काम कर लग बैठ के ते फिर मेरा सहारा बन जाएगा अंदर बढ़ जाएगी मैं बैठ के अपनी जिंदगी आराम नाल बतीत करा। गुरु नानक ने सिख बनाई तां कि सिख वो काम करन जो गुरु नानक ने किया है कि मैं बैठ के फिर देखूंगा। इसलिए सिख है गुरु का काम करने वाला, गुरु का कारकुन है, आरजी तौर पर सैकटरी है, उहदे काम नूं वेखदा ड्यूटी आ रही सिख की जिथे वह खुद सिख का काम अपने आप नूं ठीक करना, जो आप शुद्ध हो गया फिर बाकियों नूं शुद्ध कर सकदा। इस तरह कहते गोबिंद पाओ भगत का भुखा, परमात्मा को साडे तो एक आस सी सन पैदा किया पर जे असी वो आस पूरी नहीं की, वो आस सी कि अपने जीवन के विचों अशुद्धता को खत्म करके मन की मैल को गुरु के शब्द द्वारा छोड़ के अंदर के उस सुभाव विच चले जाना जिथे निरंतर प्रेम ही प्रेम है, उत्थे कोई होर है ही नहीं। जो बंदा उत्थे चला जाए फिर ईरखा हो ही नहीं सकती। असीं बारों बारों बड़ा करते हैं इत्थों कोपरी दे तों सोच के जी प्रेम करो जी, सोच सोच के कितने लग रहे दो चार पल करांगे फिर वो आग तो शुरू हो जाता, क्योंकि वो डुप्लीकेट असीं बाहरों सिर्फ विचारों में दिमाग में रखे हुए हैं। दिमाग का धर्म करी कभी ओरिजिनल नहीं होता। जिन्ना चिर विचारधारा के खाने तो अगे निकल के हृदय की दुनिया में ना चला जाए उन्ना चिर असीं थोड़ा चिर करांगे राग फिर वो निकल आएंगे, थोड़ा चिर प्रेम करांगे जेड़े उस अंदरले हिस्से तक चले गए इस भाई कन्हैया भी गए उन्होंने बड़ा सिखाया गया भी तू पानी ना पियाई तू ना पियाई, पर वो कहते मैं करा कि मेरे को होंगे ही नहीं गल ही हो दशा बदल गई। तो यह चीजा बहुत सीखने वाली नहीं, थोड़िया थोड़िया सीखने वाली थोड़ी थोड़ी सभ्यता चाहिए ताकि बंदे को पता लगे मैं किहड़ी मंजिल ते पहुंचना। तां सिखाया जाता है कि बिखर बाच हर राच समझ कह गुरबाणी ने समझिया कर, समझ मन बौरा रहे। समझना जरूरी तो है पर समझ के समझ लैना भी मैं संपूर्ण हो गया ये तो बड़ी बात समझी ना समझी है कोई नहीं। समझ तो सिर्फ यंत्र सी जिवें किसी ने सानूं चिट्ठी लिख के भेज दी चिट दी कि यह काम तुसीं हुण अपने फील्ड विच जीवन विच करना है, पर असीं चिट्ठी पढ़ के कह दिता जी काम हो गया। चिट्ठी पढ़िया काम थोड़ी है, उहदे विच तां दस्सिया गया सी करना है, उह की रह गया विचार विच ही सोच लिया बस इत्थे करके असीं खड़े हुए इस तों अगे नहीं जांदे। बस उहनूं सोचिया भी असी याद कर लिया तो हो गया कंठ हो गया चंगी गल कंठा गया
गुरु साहब का हुक्म है बाणी सिख नूं कंठ होवे। इतिहास भी उन्हों कुछ ना कुछ याद होना चाहिए, पर इतने असी गलती कर ली, असी यादाश्त विचारां नूं स्टोर करके ख्यालां नूं अंदर बन के उपान कर ता समझ लिया हुण असी धर्मी बन गए। धर्मी बनन दे ते अर्थ ने उत्थे भार ही कोई नहीं रहता, कोई विकार नहीं, ते खाली शुद्ध रह गया। उत्थे सिर्फ याद ही बचदी, होर कुछ नहीं। उत्थे तां सतगुरु कहिंदे कोई भी ख्याल नहीं। माड़े तां पहले चंगे ख्यालां दे माड़े विच ख्याल कढ दिंदे, हुण चंगे भी बोझ लगदे ने उह भी कढ दिंदे। हुण सिर्फ याद, जिवें गुरु साहिब ने कहा जदों दो मित्र एक दूजे नूं मिलन जांदे ने बड़े चिर बाद ते उह गिफ्ट वजों एक दूजे दे गले विच हार पा लैंदे ने, फुल्लां हार पाउंदे ने मिलन तों पहिलां। हार पा के फिर उह घुट के गलवकड़ी पाउंदे ने, ते जदों गलवकड़ी पाउंदे ने ते उह जिहड़ा हार उहनां नूं चुभदा विच रुकावट प्रतीत होता है। हालांकि वो जिहड़ा हार है वो प्यार की एक निशानी सी, पर जदों मिलन लगे उदों निशानी भी रुकावट है। कोई एक मित्र ने कहा इन्हां हारां नूं भी तोड़ दे, हुण इन्हां दी हुण जरूरत नहीं है, ला दे इन्हां नूं। गुरु ग्रंथ साहिब छठे पातशाह जी कहिंदे ने इत्ती मन ना समावहीं जे गल पहिरां हार। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਓ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੁੱਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਟੁੱਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੁੱਟਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਕੜੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਯਾਦ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਭਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ 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 ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
पहला है साड़ा जीवन मैल नाल परिपूर्ण भरिया हो। जो पूरे गुरु ने तुट के कृपा की अंदर सियाणपां चलाकियां ईरखां हंकार धो दिता, पूरे गुरु ने अंदरों कढ दित्ती मैल, तीर्थ बना दिता जिंदगी। फिर जो अंदरों मैल उतर गई सारी इन्हां चीजां दी, आदमी शुद्ध हो गया। जिन्हों मैं पहला बेनती की सी करमी आवै कपड़ा, पहला वह कपड़ा सी जिहड़ा मैला कुचैला दिसदे नहीं सी, मैल कोई सी देखण वाला नूं कहिंदा सी इह कपड़ा है नहीं मैल ही। जिवें असीं अपने आप नूं वेहने आ, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे तेरे अंदर नौने दा अमृत प्रभु का नाम दे, मैं इसका विश्राम सुन लईदा है। जो पहले आपस चौंकड़ा मार के कहते महाराज तुम कहते हो अंदर नाम है अंदर तो काम ही काम अंदर तो क्रोध ही सारा हंकार ही दिसदा तो है नहीं। हजूर कहते भी कपड़ा बड़े चिर का पिया हो डस्ट बड़ी धुआं बहुत जम गया, इनू हूँ रख पानी में बहुत मैला हो जाए तो पानी में रखा जाता है कि मैल उगल जाए शर्फ पाया जाता। जिथे आप भी बैठे हो इतने इं है भी कपड़ा जिम्मे भ्यौया हो रहा है। ये ठीक है साध संगत मीडिया के राही साधना के राही ना बस चले तो सुनना बहुत चंगा है, उतों भी संबंध बन जाते हैं। पर जे असी आ सकते हैं गुरु की संगत विच ते जेड़ी गल साध संगत इतने संगत विच होनी है उस ढंग नाल बहुत घट होंगी, वो उन्हां नूं कम दे जांदी जिन्हां की भावना बड़ी तीव्र होंदी है बड़ी तेज। पर सरोवर तो यही है ना, इतने सानू आना चाहिए ता ही कार्य होगा। तो संगत की है, संगत इस तरह है जिवें गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में आप जी बैठे हो, ये इस तरह का थां है जिवें पानी में कपड़ा भिओ के रख दिता, रखी रखिया कई कहते बैठे रहो की होगा, ये बैठिया बैठिया इस तरह होगा कि मैल उगल जाए एक दिन धुकण वाले बन जाए। पर जे कही पहले तेरी मैल लै जाए पुरानी बड़ी है तो विचों ये मैल फिर पूरा गुरु धो के कढ देगा विचों निकल जाएगी। तो जदों अंदरों मैल निकली फिर सच्चे पातशाह कहिंदे प्रेम करन दी लोड़ नहीं पैणी, प्रेम तेरे विचों छन्ना मार मार के बाहर निकलेगा क्योंकि तेरा सुभाव ही प्रेम है। जिवें अग का सुभाव, अग नूं कहो जी तू गर्म हो, वो कह भी गर्म क्यों हो, मैं पहले ही गर्म हूं, बस मेरी गर्मी ता बंद हो गई मेरे उत्ते किसी ने कवर पा दिता। अग नूं कौन कहे गर्म हो, वो है ही गर्म, उसका सुभाव ही गर्म है, उन्हें कहना भी पैना गर्म हो, इस करके प्रेम किया नहीं जाता, वो है ही अंदर ये गर्म का विषय नहीं है। जिथे कलगियां वाले कहते जिन प्रेम कियो उत्थे कियो का अर्थ है करना यानी कि धारण करना, एक कियो शब्द आप वरते हैं प्रेम कियो। जिवें पुराने समय में किसी घर में कोई इस तरह का भाणा वरत जाता सी कि दो भरा होंदे सन ते इक किते उहदा समां पुग गया विआह वरिया सी उह चढ़ाई कर गया ते जिहड़ी उह बच्ची सी उहदे घर विच पत्नी सी रल मिल के बरादरी ने कहा मेरे दूसरे भरा नाल जी दी शादी कर दिओ, उहदे लई शब्द वरत्या जाता सी इहने हुण दूसरा पति कीता है। यह है जिन प्रेम कियो, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहिंदे जिस बंदे दा संसार मोह रूपी पति मर गया, जीवन विच दो ही पति ने साडे, संसार खिच रूपी पति जिहदा मर गया फिर वो परमात्मा दे प्रेम नूं कर लैंदा है, पति धारण कर लैंदा है, वो अंदर पहले ही है। ते जिद्दर साडे कोल प्रेम होया साध संगत जदों बंदे नूं भुख लगी होवे ना वो लभदा फिरदा किहड़ी दुकान तों भोजन मिले, बोर्ड पढ़दा कित्थों जा के प्रशादा मिलेगा। परमात्मा भी साडे सारिआं कोल प्रेम की भुख
फस के साडे आले दुआले परिक्रमा करना पैदा है पर जेडे घर विच जांदा उसे गंद पिया हुंदा वापस आ जांदा कि खाण लई मेरे वाला ते इत्थे है ही कोई मैं की खाऊं इत्थों मिलदा ते है कुछ नहीं फिर जो कोई ना कोई इस तरह का शरीर मिल गया ना इस तरह की दुकान जिथे प्रेम का भोजन पकन लग पाया वो फिर आप जाके दरवाजा खड़का बुला नहीं कहता वो आप दरवाजा खड़का के कहता खोल मैं भुख लगी शिका मैं प्रेम सदना नहीं पैदा वो सदन का विषय है ही नहीं कि मैं सदोगे उसको उस दिन कबीर जी कहते कि कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नील हूं की होंगे कहते शराब ने बहुत सारू सताया कई साल इन कहते रहे राम राम कई साल इन पुकारते रहे पुकार पुकार के थक जाया हूं कहते साड़ी वारी आ गई हूं असं जी उन्होंने जपते हूं परमात्मा सानू जपता है पर होया कदों कबीर मन निर्मल पाया जैसा गंगा नीर पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर 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 नूं परमात्मा जपदा है गल उल्ट होगी सत्संग दो ही चीजां है धर्म प्योरिटी और क्वालिटी जीवन प्योर हो गया शुद्ध हो गया खालस क्वालिटी पैदा हो गई ते क्वालिटी पैदा हो गई जिन्हों लोड़े आपके लग लगे आपके पंप दरवाजा खड़का दे इस करके उस प्रेम की गल कर रहे थे अज गुरु रामदास जी कहते जिदे अंदर प्रेम इस तरह पैदा हो गया किवें होया हर नामा हर रंग है ये जिहड़ा है ते शब्द गगई है पर इहनू थोड़ा जिहा नक विच फड़िया जांदा है ਇਹ 731 ਅੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ ਹਰ ਰੰਗ ਮਲਿਖਾ ਰੰਗ ਇਹ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਦਿਓ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਗੁਰ ਤੁਠ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਭੰਗ ਭੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਮਾਪਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਰੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੂੰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਤੁਰਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਰਾਉ ਨਿਸ਼ੰਗ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਝਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਿਆ ਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮੁੰਦ ਇਸਤਰੀ ਇਆਣੀ ਭਾਵ
गुरु की दिती मन को रह मन मुख है फिर आमण जाना अंग ओदे जीवन विच मन का भटकाव जन्म मन बनिया रहता है। हर प्रभ चित ना आयो ओदे मन विच कदी वैगुरु की याद नहीं आउंदी। मन दूजा भाव सह लंघ ओदा मन दूजा दे संगत विच रहिंदा है। फिर ऐसिया ने पूछिया महाराज साडा को इलाज है, कहते तुसी इस तरह अपने प्रभु अगे अरदास करो कि हम मैल भरे तो उचारिया हर रखो अंगी अंग, हे वाहिगुरु कृपा करो सी मैल नाल भरे होए दो चारी हां, तुसी अपने अंग भाव अपनी शरण विच रखो नाल रखो गुर अमृत सरन वधाया। फिर ऐसे पापी मनुख भी जदों पूरे गुरु की शरण विच पैंदे ते गुरु उन्हां नूं नाम रूपी अमृत सर सरोवर विच नवा के पवित्र कर देंदे, सब नाते किल विच पंग उन्हां दी मैल सारी उतर जाती है। हर दीना दीन दयाल प्रभु फिर उतरी हुई मैल दे विच ओह गुरसिख अरदास करदा है। सत संगत मेलो संग, सत संग दी नाम दी दात कोशिश करो, कहिंदे मेरे संगत हर रंग पाया। इस तरह संगत द्वारा जिन्हां नूं पहला रंग चढ़िया सी उन्हां दी संगत द्वारा यह जिहड़ा रंग है परपक् हो गया ते सारे जीवन दे जिहड़े दुख ने उदों खत्म होए जिन्हां नूं असीं लाउण लई बड़े उपराले वसीले करदे हां। दुख है जीवन की मैल संसे ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆਓ ਤੇਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 Oh, hey.
संगत अज सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज जी का अवतार गुरपुरब है। उस संबंध में गुरुद्वारा साहब के श्री अखंड पाठ साहब जी परसों पुटे गए सन, हुण उन्होंने समाप्ति होगी थोड़े मिनटों बाद। आप संगत को बेनती है जरूर शाम होना जिन्हों को आप समा कर सकते हो तो विचार करते हो कि उन्होंने खिमा शाम के दीवान गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का जीवन जो कि कथा का समय है उन्होंने संबंधित विचार सीतिया जाएगी। वाहू जी का खालसा वाहू जी।